जो ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं उनमें से असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर है, एनाथमेटिक ऑपरेटर है, इसी तरह एक ऑपरेटर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसके साइन दो हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट फॉर्म कहलाता है इस स्टेटमेंट की, जिस तरह से इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कोई कंडीशन बताकर कोई डिसीजन प्रिंट करवा रहे होते हैं, इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर उस एक्सप्रेशन को वन लाइन पर एग्जीक्यूट करवाना होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म पर आप इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। किस तरह से परफॉर्म करते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो दो वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है, ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू टू। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर इंटीजर डबल जेड इक्वल टू ए इक्वल टू बी, सॉरी क्वेश्चन मार्क 20 कॉलन 30 और उसके बाद प्रिंट कॉलन परसेंट डी स्लैश एन कॉमा डबल जेड। तो टर्नरी ऑपरेटर में आपने देखा कि दो साइन है, मैं कह सकता हूं कि ये इफ है और ये एल्स है। अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं, यानी बोथ आर सेम है, तो क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि डबल जेड के अंदर 20 वैल्यू स्टोर करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कॉलन ये बताता है हमें कि इस वेरिएबल डबल जेड में कौन सी वैल्यू स्टोर कर दो, 30 कर दो। तो अभी आप क्या समझते हैं कि डबल जेड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, 30। लेट्स सी F11 टू एग्जीक्यूट एंड F नहीं लगाया यहाँ पर मैंने, बिल्कुल F11 प्रेस करते हैं और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आप लास्ट में देख रहे हैं 30 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ पर नॉट इक्वल करता हूँ, उसके बाद F11 प्रेस करता हूँ, तो 20 होना चाहिए और बिल्कुल 20 वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो रही है। तो टर्नरी ऑपरेटर, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की कि ये इफ स्टेटमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, इफ और एल्स की कंडीशन बता रहे होते हैं एक साथ। तो आप देख रहे हो कि एक इफ स्टेटमेंट जो कि कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद दो से तीन लाइन के कोड पर मुश्तमिल होती है, आप डायरेक्टली यहाँ पर एक शॉर्ट स्टेटमेंट के जरिए से वैल्यू प्रिंट स्टोर करवा रहे होते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हो जाए, वगरना ये काम हो जाए, और ये दोनों काम क्वेश्चन मार्क और कॉलन के जरिए से परफॉर्म हो रहा होता है। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन या ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर जो वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हैं आप यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं।